हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। एंड आज हम इंग्लिश का जो है एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि है कंजंक्शंस। अब कंजंक्शंस जो है बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके आज हम डिस्कस करेंगे कंजंक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, एंड क्या क्या रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि व्हाट आर कंजंक्शंस, कंजंक्शंस होते क्या हैं, ठीक है। सो कंजंक्शंस आर द वर्ड्स दैट लिंक अदर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस टुगेदर। कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दूसरे वर्ड्स को क्या करते हैं, आपस में ज्वाइन करते हैं, या तो फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं या क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं। फ्रेजेस क्या होते हैं, जो हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं फ्रेजेस, ओके। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम बोलते हैं फ्रेजेस, ठीक है। तो कंजंक्शंस जो होते हैं वो सारे हमारे क्या फ्रेजेस को या वर्ड्स को या क्लॉजेस को क्या करते हैं, आपस में ज्वाइन करते हैं। अब एग्जांपल देखेंगे, आई लाइक कुकिंग एंड ईटिंग बट आई डोंट लाइक वॉशिंग डिशेस आफ्टरवर्ड, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे कंजंक्शंस एंड एंड बट हैं। कैसे, अगर ये सेंटेंस ऐसे नहीं होते, कंजंक्शंस नहीं होते, तो मैं इस सेंटेंस को कैसे लिखती। पहले लिखती मैं आई लाइक कुकिंग, ठीक है, पहले ये मैं लिखती आई लाइक कुकिंग, फिर फुल स्टॉप देती, फिर से लिखती आई लाइक ईटिंग, है ना, आई लाइक कुकिंग, आई लाइक ईटिंग, और फिर मैं फिर फुल स्टॉप लगा के नेक्स्ट सेंटेंस लिखती आई डोंट लाइक वॉशिंग डिशेज आफ्टरवर्ड, ठीक है, आई डोंट लाइक वॉशिंग डिशेज, ठीक है, वॉशिंग डिशेज आफ्टरवर्ड्स, ओके। सो ये मेरा पूरा, ये ऐसे मेरा सेंटेंस बनता, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, कंजंक्शंस यूज किए हैं, तो मेरे ये सारा का सारा सेंटेंस क्या हो गया, मर्ज अप हो गया, सारा साथ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कंजंक्शंस क्या, कंजंक्शंस क्या है, एंड एंड बट, ठीक है। तो मैंने सारा सेंटेंस जो है वो इकट्ठा लिख दिया, आई लाइक कुकिंग एंड बट आई डोंट लाइक वॉशिंग डिशेज आफ्टरवर्ड, ठीक है। तो हमारे एंड एंड बट क्या है, यहाँ पे कंजंक्शंस हैं, ओके। तो एक इस तरह से क्लियरली पूरे जो सेंटेंस है उसको क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। नाउ सोफी इज क्लियरली एग्जॉस्टेड येट शी इंसिस्ट ऑन डांसिंग टिल डॉन, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें भी अगर येट यूज नहीं करते कंजंक्शन, तो दो सेंटेंस बनते क्लियरली। पहला होता सोफी इज क्लियरली एग्जॉस्टेड फुल स्टॉप, देन शी इंसिस्ट ऑन डांसिंग टिल डॉन, लेकिन कंजंक्शन की वजह से वो क्या हो गया, सेंटेंस सारा कनेक्ट हो गया, लिंक्ड हो गया, ठीक है। सो ये थे हमारे कंजंक्शंस। कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो दूसरे वर्ड्स को या फ्रेजेस को या क्लॉजेस को आपस में लिंक करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस, कितने टाइप के कंजंक्शंस होते हैं, थ्री टाइप्स के कंजंक्शंस होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शंस एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस अलाउ यू टू जॉइन वर्ड्स फ्रेजेस एंड क्लॉज ऑफ इक्वल ग्रामेटिकल रैंक इन अ सेंटेंस। ये हमें उन वर्ड्स या उन फ्रेजेस या उन क्लॉजेस को ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं जो कि इक्वल ग्रामेटिकल रैंक के हों। इक्वल ग्रामेटिकल रैंक के हों मतलब, जैसे जब भी कोई चीज एक से ज्यादा होती है, जैसे मैं बोल रही हूँ कुकिंग ईटिंग, ठीक है, तो वहां पे दो चीजें आ गई, ठीक है, तो वो दो नंबर में है, तो उस वो कैसे हो जाएगा, कुकिंग एंड ईटिंग, ठीक है। अगर मेरे को चॉइस देनी है किसी के बीच में, आइदर पिंक और ब्लू, पिंक या ब्लू, ठीक है, तो मैं उन दोनों के लिए क्या यूज करूंगी, बीच में और यूज करूंगी, ये चूज बिटवीन पिंक और ब्लू, ठीक है। सो ऐसे जो भी वर्ड्स होते हैं जो, या फिर जो भी ऐसे फ्रेजेस या क्लॉजेस होते हैं जो इक्वल ग्रामेटिकल रैंक के हों, और उन्हें अगर हमें सेंटेंस में जो है वो लिंक करना है, तब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है वो यूज करेंगे। ये आपको नीचे एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। तो सबसे जो कॉमनली यूज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है वो होते हैं फॉर एंड नॉर बट और येट एंड सो। आप इन सभी को कैसे याद रख सकते हो, आप ये कोड याद रख सकते हो फैन बॉयज, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फैन बॉयज आप याद रख सकते हो, एफ फॉर फॉर, देन एंड, देन एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, देन वाई येट एंड एस फॉर सो, ठीक है। सो आप इसको आप याद रख सकते हो फैन बॉयज, एंड आपको ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है वो आपको क्या रहेंगे, आपको याद रहेंगे, ठीक है। सो एग्जाम्पल क्या है, आई वुड लाइक पिज्जा और अ सैलड फॉर लंच। अब यहाँ पे क्या है, चॉइस है बीच में, ठीक है, एक ग्रामेटिकल रैंक है, ठीक है, या तो पिज्जा या तो सैलड, ओके। तो यहाँ पे ये हमारा और क्या है, हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, आई वुड लाइक pizza or a salad for lunch. Similarly, we needed a place to concentrate, so we packed up our things and went to the library. यहाँ पे भी दो चीजें हैं कि हमें concentrate करने के लिए जगह थी, तो हमने अपना सामान बांधा और हम library चले गए, ठीक है।
नेक्स्ट, जेसी डिडंट हैव मच मनी बट शी गॉट बाय, ठीक है, उसके पास ज्यादा पैसे तो नहीं है लेकिन फिर भी उसने मैनेज कर लिया. ओके, तो यहाँ पे भी हम दो चीजों को जो है वो इक्वल ग्रामेटिकल रैंक की चीजों को क्या है हम जोड़ रहे हैं. तो ये है हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं जो उन वर्ड्स, उन फ्रेजेस और उन क्लॉजेस को लिंक करते हैं जो इक्वल ग्रामेटिकल रैंक के होते हैं. नेक्स्ट है हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शंस. कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर द आर पेयर ऑफ कंजंक्शंस दैट वर्क टुगेदर. ऐसे कंजंक्शंस जो क्या करते हैं, जो साथ में होते हैं, हमेशा सेंटेंस में साथ में होते हैं. ठीक है, कैसे कैसे? जैसे आइदर के साथ, अगर किसी सेंटेंस में आइदर होगा तो वहां पे और भी होगा, अगर किसी सेंटेंस में नाइदर होगा तो उसके साथ नॉर भी होगा, सिमिलरली नॉट ओनली होगा तो बट ऑल्सो भी होगा. सो ये तीन ऐसे कंजंक्शंस हैं जो कोरिलेटिव हैं, जो साथ में होते हैं हमेशा. कौन कौन से? आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स कैसे हैं? नॉट ओनली एम आई फिनिश्ड स्टडिंग फॉर इंग्लिश बट आई एम ऑल्सो फिनिश्ड राइटिंग माई हिस्ट्री एसे. अब यहाँ पे कितने हमारे, देखो नॉट ओनली के साथ हमारा क्या यूज हुआ है, नॉट ओनली के साथ हमारे यहाँ पे बट ऑल्सो भी यूज हुआ है. ठीक है, तो ये क्या है हमारा? कोरिलेटिव कंजंक्शन है. तो हम इसमें बोल रहे हैं कि मैंने सिर्फ अपनी इंग्लिश ही जो है वो खत्म नहीं करी है पढ़ना, बट साथ में मैंने अपना हिस्ट्री का एसे भी जो है वो लिख लिया है. ठीक है, तो ये थे हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो हमेशा साथ में काम करते हैं, और ये तीन होते हैं कौन कौन से? आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो. ओके, नेक्स्ट है और लास्ट हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ये कौन से कंजंक्शंस होते हैं? दे जॉइंड इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस. अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस को ये ज्वाइन करते हैं. इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और डिपेंडेंट क्लॉजेस कौन से होते हैं हमारे? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो होते हैं ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो इंडिपेंडेंटली भी हम बोल सकते हैं. ठीक है, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉजेस ऐसे होते हैं जो बिना इंडिपेंडेंट क्लॉज के हम नहीं बोल सकते हैं. ठीक है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज मैंने पिछले लेक्चर में समझाया भी है, किसी लेक्चर में मैंने समझाया है, तो आप वहां पे वो लेक्चर जाके मेरे देख सकते हैं. वहां पे मैंने क्लियरली समझाया इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है. तो नेक्स्ट, कॉमन जो हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है वो कौन कौन से होते हैं? बिकॉज, सिंस, एज, ऑल्दो, व्हाइल एंड वेयर एज. ठीक है, तो अब समटाइम्स एज एन एडवर्ब सच एज अंटिल, आफ्टर और बिफोर कैन फंक्शन एज अ कंजंक्शन. अब ये तो होते ही हैं हमारे जो ये जो कंजंक्शंस हैं, ये तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते भी हैं, लेकिन कुछ जगह पे क्या होते हैं, कुछ एडवर्ब्स जो होते हैं वो भी एज ए कंजंक्शन काम करते हैं. और वो कौन कौन से एडवर्ब है? जैसे अंटिल, आफ्टर या बिफोर, ये तीन जो है कभी कभी ये भी क्या है हमारे एज एन कंजंक्शन जो है वो यूज होते हैं. ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं. आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर बिकॉज आई वॉज थर्स्टी. ठीक है, कि मैंने पानी का ग्लास पिया क्योंकि मुझे प्यास लगी थी. ठीक है, नेक्स्ट, बिकॉज आई वॉज थर्स्टी आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर, क्योंकि मैं प्यासा था इसलिए मैंने पानी पी लिया. तो आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं एंड ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू. ठीक है, आपको जैसे कन्वीनियंट लगे आप वैसे लिख सकते हैं. तो ये थे हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, अब हम एरर्स कहाँ पे आते हैं कंजंक्शंस में. ठीक है, इसके कुछ रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपको सेंटेंस में फॉलो करने होते हैं. ठीक है, तो वो क्या क्या रूल्स हैं, चलिए देखते हैं. सबसे पहला क्या है? स्केर्सली और हार्डली इज फॉलोड बाय व्हेन. तो जब भी किसी सेंटेंस में स्केर्सली होगा या हार्डली होगा तो उसके बाद व्हेन आएगा. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? हार्डली हैड आई स्लेप्ट व्हेन द टेलीफोन रैंग. ठीक है, सो इसमें आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी, अभी हमने सेंटेंस हार्डली से स्टार्ट की या सेंटेंस में बीच में भी हार्डली होता तो उसमें बाद में क्या होना था, व्हेन होना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रूल कि स्केर्सली और हार्डली के बाद क्या आता है, हमेशा व्हेन आता है. दो इज फॉलोड बाय येट, दो हमेशा येट, दो के बाद हमेशा क्या आता है, येट आता है. जैसे दो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल. ठीक है, कि उसने मेहनत तो की थी लेकिन फिर भी वो क्या हो गया, फेल हो गया. ठीक है, तो स्केर्सली और हार्डली के बाद हमेशा व्हेन आएगा, दो के बाद हमेशा येट आएगा. नो सूनर इज फॉलोड बाय देन. नो सूनर के बाद हमेशा क्या आएगा, देन आएगा. ठीक है, तो जब भी नो सूनर आएगा किसी सेंटेंस में तो हमने उसमें देन भी ऐड करना है बाद में. जैसे एग्जांपल, नो सूनर डिड वी रीच देयर देन इट बिगेन टू रेन. ठीक है, कि जब भी हमने जो है कि जब हम वहां, जैसे ही हम वहां पहुंचे वैसे ही जो है वहां पर बारिश होने लग गई. ठीक है, सो नो सूनर इज ऑलवेज फॉलोड बाय देन.
सिमिलरली नॉट ओनली इज फॉलोड बाय बट ऑल्सो. हमने देखा ये क्या है सारे, ये क्या है हमारा सबॉर्डिनेटिंग, सॉरी सबॉर्डिनेटिंग नहीं, कोरिलेटिव कंजंक्शन है. ठीक है, कि नॉट ओनली के बाद क्या आता है हमारा, बट ऑल्सो आता है, ये साथ में आते हैं. ठीक है, तो नॉट ओनली के बाद हमेशा बट ऑल्सो आएगा. तो कैसे, नॉट ओनली डिड ही हेल्प हर बट ऑल्सो ड्रॉप्ड हर होम सेफली, कि उसने सिर्फ उसकी हेल्प ही नहीं की लेकिन उसको घर भी जो है वो सही सलामत ड्रॉप कर दिया. ओके, तो ये हमारे चार, आपने इनको याद रखने कि स्केयरली और हार्डली के बाद हमेशा वेन आएगा, दो के बाद हमेशा येट आएगा, नो सूनर के बाद दैन आएगा, वेन नहीं आएगा, हमेशा दैन आएगा. ओके, नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो आएगा, तो ये आपने याद रखने. नेक्स्ट, बोथ इज कॉम्प्लीमेंटेड बाई एंड नॉट एज वेल एज. ठीक है, जब भी हम बात करते हैं ना कि बोथ दिस एंड दिस, ठीक है, तब हमने उन दोनों को एंड से जोड़ना है, एज वेल एज से नहीं जोड़ना है. ठीक है, एग्जाम्पल, बोथ अमित एंड सतीश आर गुड एट साइंस. हम ऐसे नहीं बोलेंगे, बोथ अमित एज वेल एज सतीश आर गुड एट साइंस, दिस इज रॉन्ग. ठीक है, जब हम बोथ यूज कर रहे हैं तब हमने एंड यूज करना है. ठीक है, बीच में अगर हम बोथ यूज नहीं कर रहे होते तब हम यूज कर सकते थे एज वेल एज, कि अमित एज वेल एज सतीश आर गुड एट साइंस. ठीक है, लेकिन हम बोथ यूज कर रहे हैं तब हमने एंड यूज करना है. ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट थिंग. नेक्स्ट, सो जब भी हम यूज करते हैं सो, उसके बाद बीच में कोई सेंटेंस एंड एज आता है, इज यूज इन नेगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, जब सो के साथ हम एज यूज करते हैं तो ये नेगेटिव सेंटेंस में होता है, लेकिन जब हम एज डैश एज हम बोलते हैं तो ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में होते हैं. एफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं हमारे, पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं. ठीक है, सो एग्जाम्पल, ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर, वो अपने भाई जितना टॉल है. ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं पे सो होता तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होना था, एफर्मेटिव सेंटेंस नहीं होना था. ठीक है, सो ये याद रखना कि जब सो के साथ एज आता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस होता है, लेकिन अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तब हम एज डैश एज, चाहे वो एज टॉल एज, एज यंग एज, ठीक है, जो बीच में कुछ भी आ सकता है. नेक्स्ट, अदर इज फॉलोड बाय दैन, अदर के बाद भी क्या आता है, दैन आता है. पीछे भी हमने पढ़ा किसके साथ एक और दैन आता है, एक तो पहले अदर के साथ दैन आता है एंड साथ में हमारा नो सूनर के साथ दैन आता है. ठीक है, तो दो के साथ, अदर के साथ और नो सूनर के साथ हमारा क्या आता है, दैन आता है. सो इसको याद रखना, ही हैज नो अदर क्लेम दैन हिज वेल्थ, उसके पास और कोई क्लेम नहीं था other than his wealth. ठीक है, so ये than और then जो है वो दो different words हैं. ठीक है, than and then, than अलग है, then अलग है, so ये ध्यान में रखना. ठीक है, so no sooner and other के बाद than आएगा. ठीक है, और then जो है वो किसी और चीज के साथ use होता है. ठीक है, next, the word reason is not followed by because but by that. अब याद रखना कि जब भी हम किसी sentence में reason word use कर रहे हैं तब हमने उसके बाद because use नहीं करना है, हमने That use करना है. ठीक है, example, the reason why he didn't go was that his mother was ill. हमने ऐसे नहीं use करना, the reason he didn't go was because his mother was ill. अगर हम यहाँ because use करेंगे तो वो गलत होगा. reason के साथ, reason word के साथ हमने हमेशा that use करना है. okay, नेक्स्ट, बिकॉज डिनोट्स रीजन, बिकॉज हमेशा रीजन डिनोट करता है, इन ऑर्डर डिनोट्स पर्पस. अब ये याद रखना कि जो बिकॉज वर्ड है, जब भी हम किसी सेंटेंस में कोई रीजन जो है प्रोवाइड कर रहे हैं तब हम बिकॉज यूज करेंगे, जब हम कोई पर्पस डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी सेंटेंस में तब हम इन ऑर्डर दैट यूज करेंगे. जैसे कि एग्जाम्पल, ही वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही वॉज इल. ठीक है, तो वो डॉक्टर के पास क्यों गया, जाने का क्या रीजन था, क्योंकि वो बीमार था. ठीक है, तब हमने बिकॉज यूज किया. सिमिलरली, ही वेंट टू दिल्ली इन ऑर्डर दैट ही माइट सी मिस्टर रॉय. अब यहाँ पे वो किसी काम से गया है. ठीक है, कि वो जो है कि वो दिल्ली क्यों गया, ताकि वो मिस्टर रॉय को देख सके, उनसे मिल सके. ओके, तो हमने इन ऑर्डर दैट यूज किया. अब हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि ही वेंट टू दिल्ली बिकॉज ही माइट सी मिस्टर रॉय, बिकॉज यहाँ पे नहीं आएगा. ठीक है, वो इस रीजन से थोड़ी जा रहे हैं, वो तो किसी काम से जा रहे हैं, किसी पर्पज से जा रहे हैं. ठीक है, और वो पर्पज क्या है, मिस्टर रॉय को देखना एक पर्पस है. ठीक है, तो अब हम यूज करेंगे इन ऑर्डर दैट, बिकॉज हम यूज नहीं करेंगे. तो ऑलवेज रिमेंबर कि बिकॉज हमेशा रीजन डिनोट करता है, इन ऑर्डर दैट हमेशा पर्पस डिनोट करता है. ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या रूल्स किए. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्या है कि बोथ के साथ हमेशा एंड आएगा, एज वेल एज नहीं आएगा. याद रखिए, बोथ यूज कर रहे हैं तो एंड आएगा, सो और एज ही हम यूज कर रहे हैं तो वो नेगेटिव सेंटेंस में होगा, एज डैश एज यूज कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव सेंटेंस होगा. अदर और नो सूनर के साथ हमेशा दैन आएगा, और जब भी हम वर्ड रीजन यूज करते हैं तो उसके बाद उसमें दैट आएगा. ठीक है, और बिकॉज हमेशा रीजन डिनोट करता है, एंड इन ऑर्डर दैट क्या करता है, पर्पस डिनोट करता है. ओके, नेक्स्ट,
As and since are also used to express reason. अब reason कौन कौन express करता है? As और since भी reason express करते हैं. तो reason express करने के लिए तीन words हो गए. कौन कौन से हो गए? एक because, as and since. ये तीनों के तीनों क्या करते हैं? रीजन डिनोट करते हैं. ठीक है. और जब वो जो वर्ड रीजन है, ठीक है, ये जो वर्ड रीजन है, अगर हम किसी सेंटेंस में ये रीजन वर्ड खुद यूज कर रहे हैं तो उसके बाद हमेशा क्या आएगा? दैट आएगा. ओके, ये आपने याद रखना है. एग्जाम्पल, एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर. तो यहाँ पे भी रीजन ही डिनोट करे कि क्योंकि वो वहां पे नहीं था इसलिए मैंने उसके भाई से बात कर ली. ओके, सो दिस इज वन थिंग. नेक्स्ट, नाइदर इज फॉलोड बाय नॉर एंड बोथ are followed by same auxiliary verb. ठीक है, तो जो neither है, मैंने बताया ये क्या है, correlative conjunction है, तो neither के बाद neither के साथ हमेशा क्या आएगा? nor आएगा. ठीक है, example, neither Ravi nor Raju was seen. कि ठीक है, कि ना तो रावी ना राजू दिखे. ठीक है, सो दिस इज वन थिंग. ठीक है, ये correlative conjunction है, ये दोनों साथ में आते हैं. और कौन कौन से correlative? neither nor, और उसके बाद क्या है, not only and but also. ये भी जो है क्या है, हमारे correlative कंजंक्शन है. नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो. ठीक है, इसके साथ भी ये आएगा. नेक्स्ट, आइदर इज फॉलोड बाई और. सिमिलरली आइदर और क्या है, ये भी कोरिलेटिव कंजंक्शन है, तो आइदर के साथ भी हमेशा क्या आएगा? आइदर और. ओके, सो ये तीन कंजंक्शन हो गए, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो एंड आइदर और. ओके, इसका एग्जाम्पल क्या है, आइदर यू आर और ही इज टू ब्लेम. कि या तो तुम या तो ये जो है इसको जो है हमें ब्लेम करना है. ठीक है, सो ये एक हमारा रूल है. नेक्स्ट, अनलेस अंटिल इफ नॉट सो दैट शुड नॉट बी फॉलोड बाय नॉट. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ. कि जब भी हम किसी सेंटेंस में अनलेस अंटिल इफ नॉट या सो यूज करते हैं तब हमने नॉट यूज नहीं करना है. क्योंकि ये खुद ब खुद क्या है, नेगेटिव है. खुद ब खुद ये कौन सी फॉर्म्स है? नेगेटिव फॉर्म्स है. तो हमने फिर से जो नॉट है या डू नॉट डज नॉट यूज नहीं करना है. ओके, एग्जाम्पल, वेट हेयर अंटिल आई कम. ऐसे नहीं बोलेंगे वेट हेयर अंटिल आई डू नॉट कम, वो चीज गलत हो जाएगी. ठीक है, अंटिल ऑलरेडी खुद ही नेगेटिव फॉर्म में यूज हो रहा है तो यहाँ पे हम डॉट यूज नहीं करेंगे, सिंपल अंटिल ही यूज करेंगे. ठीक है, वेट हेयर अंटिल आई कम, यहाँ पर वेट करो जब तक मैं नहीं आता हूँ. ओके, सो वहां पे ये खुद ही नेगेटिव सेंस डिनोट कर रहा है. नेक्स्ट, इफ इफ इज यूज इन कंडीशनल सेंस एंड वेदर इज यूज इन अनसर्टेनिटी. जो इफ है, ठीक है, उसे हम कंडीशनल सेंटेंस में यूज करते हैं और वेदर को यूज करते हैं हम अनसर्टेनिटी के लिए. एग्जाम्पल, इफ ही डज नॉट रिटर्न द बुक्स ही विल नॉट बी अवॉर्डेड द सर्टिफिकेट. अगर उसने बुक्स रिटर्न नहीं की तो उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा. तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन है कि उसको सर्टिफिकेट मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी बुक्स जो है वो क्या करनी पड़ेंगी, रिटर्न करनी पड़ेंगी. तो इफ जो है हमेशा हम कंडीशनल सेंटेंसेज में यूज करते हैं. और वेदर कैसे यूज करते हैं? आई डोंट नो वेदर ही वॉज प्रेजेंट, मुझे नहीं पता कि प्रेजेंट था या नहीं था. ठीक है, अनसर्टिनिटी, नहीं पता है कि हाँ है या नहीं है, कुछ नहीं पता. ठीक है, तो जब भी अनसर्टिनिटी होती है तब हम क्या यूज करते हैं, वेदर यूज करते हैं. एंड जब कोई कंडीशन होती है तब हम इफ यूज करते हैं. ठीक है, तो इफ और वेदर में कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, तो ये थे हमारा ये रूल्स थे. ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से रूल्स हमने पढ़े, कि एज एंड सिंस जो है वो भी रीजन एक्सप्रेस करते हैं, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब साथ में यूज होते हैं. अनलेस अंटिल इफ नॉट सो जो है वो नेगेटिव सेंस में ऑलरेडी है तो इसके बाद नॉट नहीं आएगा. एंड इफ जो है हम कंडीशनल सेंस में यूज करते हैं, वेदर हम अनसर्टिनिटी में यूज करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वर्ड सच एज रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, मेंशन, डिपिक्ट, पोर्ट्रे आर फॉलोड बाय एज. अब ये सारे के सारे वर्ड्स जो है ये किसके साथ फॉलो होंगे, इनके बाद क्या आएगा, एज आएगा. कौन कौन से, रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, मेंशन, डिपिक्ट, पोर्ट्रे. ओके, एग्जाम्पल, आई रिगार्ड हर एज माई सिस्टर, मैं उसको अपनी बहन जैसा मानता हूँ. ठीक है, देन ये एक रूल है. नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस टाइम बिफोर यूज अंटिल और टिल, एंड टू एक्सप्रेस हाउ लॉन्ग यूज एज लॉन्ग एज. अब हमने अगर टाइम पहले बताना है, ठीक है, कि टाइम बिफोर, अब हमने बताना है कि चलो 5 बजे तक,
ठीक है, तो अभी वो टाइम क्या है, पहले टाइम पहले बताना है, ठीक है, जब हम अंटिल या टिल यूज करेंगे, ठीक है, और अगर हमने कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, टाइम की लेंथ क्या है, डेफिनेट टाइम क्या है, तब हम एज लॉन्ग एज बताएंगे, ठीक है. एग्जाम्पल देखो, ही कंटिन्यू टू बी लेजी अंटिल ही वॉज 10 ईयर्स ओल्ड, ठीक है. तो इसमें क्या है, इसमें हम टाइम बिफोर पहले का टाइम बता रहे हैं, ठीक है, कि जो था वो हमेशा से जो था लेजी था जब तक वो 10 साल का था, ठीक है, कि जब तक वो 10 साल का था तब तक वो क्या था, लेजी था. तो हम यहाँ पे क्या पहले का टाइम बता रहे हैं, तब हम क्या यूज करेंगे, अंटिल यूज करेंगे. वर्क एज लॉन्ग एज यू लिव, तो यहाँ पे वर्क कि तब तक काम करो जब तक तुम जो है वो जिंदा हो, ठीक है. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड बता रहे हैं कि कितने समय तक, ठीक है, तब हम क्या यूज करेंगे, एज लॉन्ग एज. ओके, सो ये है, ये आपने याद रखना है रूल. नेक्स्ट के सच इज फॉलोड बाय एज, ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा कि सच के बाद क्या आता है, हमेशा एज आता है. एग्जाम्पल, वी टॉक्ड अबाउट सच सब्जेक्ट्स एज द वेदर, ठीक है, कि हम जो है वो हम ऐसे बात करते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में जैसे हम वेदर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. तो सच के बाद हमेशा क्या आएगा, एज. सच इज फॉलोड बाय दैट इफ वी एम्फसाइज ऑफ समथिंग बाय मेंशनिंग द रिजल्ट, ठीक है. अब सच जो है, सच के बाद जो है वो दैट आएगा, कब हम दैट यूज करेंगे सच के बाद, जब हम जो है किसी चीज का रिजल्ट जो है वो मेंशन कर रहे होंगे, ठीक है, रिजल्ट को ज्यादा एम्फसाइज कर रहे होंगे. जैसे एग्जाम्पल, द एक्सटेंट ऑफ द डिजास्टर वॉज सच दैट नॉट अ सिंगल मैन कुड सर्वाइव, ठीक है, कि जो डिजास्टर का जो रिजल्ट था, ठीक है, वो ऐसा था कि एक भी आदमी नहीं बच पाया, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम कोई रिजल्ट पे एम्फसाइज कर रहे हैं, तब हम सच के बाद क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे. तो ये दो कंडीशन है, सच के बाद पहले, एक तो वैसे तो अगर हम नॉर्मल यूज कर रहे हैं तो सच के बाद हमेशा एज आएगा, लेकिन अगर हम रिजल्ट पे एम्फसाइज कर रहे हैं, रिजल्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो सच के बाद क्या आएगा, दैट आएगा, ठीक है. नेक्स्ट क्या है, लेस्ट इज नेगेटिव एंड सो शुड नॉट बी फॉलोड बाय नॉट, इट इज फॉलोड बाय शुड. लेस्ट क्या है, ये मैंने पहले भी बताया था किसी लेक्चर में कि लेस्ट क्या है, ये नेगेटिव फॉर्म में यूज होता है, तो हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, हमेशा शुड यूज करेंगे, ठीक है, नॉट यूज नहीं करेंगे, लेस्ट के साथ नॉट यूज नहीं होता है. जैसे हमारे अनटिल, अनलेस, ठीक है, ये सारे वर्ड्स हैं, वैसे ही लेस्ट भी जो है ये नेगेटिव फॉर्म में यूज होता है. वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, कि जो है मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या होगा, शुड आएगा, ठीक है, नॉट नहीं आएगा. ओके, नेक्स्ट, इफ वुड और मे इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ शुड देन एल्स शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ लेस्ट. अब अगर हम जो है किसी की, अगर हम जो है वो लेस्ट के प्लेस पे, सॉरी, अगर हम जो है शुड के प्लेस पे वुड या मे यूज कर रहे हैं, तो एल्स जो है वो यूज होगा लेस्ट के प्लेस में, ठीक है. गिव हिम वाटर एल्स ही मे डाई, ठीक है. अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे मे की, यहाँ पे हम मे है, अगर यहाँ पे शुड होता, ठीक है, यहाँ पे शुड होता तो यहाँ पे एल्स नहीं आता, यहाँ पे लेस्ट आता. कैसे, जैसे गिव हिम वाटर लेस्ट ही शुड डाई, ओके, तब ये आता. लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मे है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एल्स आएगा. जैसे गिव हिम वाटर एल्स ही मे डाई, ठीक है, कि पानी दे दो वरना ये मर सकता है, ठीक है. नेक्स्ट, लाइक इज फॉलोड बाय प्रोनाउन एज इज फॉलोड बाय अ क्लॉज. अब लाइक जो है, लाइक किसके साथ यूज होता है, प्रोनाउन के साथ यूज होता है. प्रोनाउंस क्या होते हैं, ये मैंने पूरा लेक्चर जो है, एक कंप्लीट लेक्चर बनाया हुआ है, आप मेरा प्रोनाउंस के लेक्चर जो है वो जाके देख सकते हैं, अगर आपको प्रोनाउंस डिटेल में समझने और अच्छे से. नेक्स्ट, एज इज फॉलोड बाय क्लॉज, और एज को हम किससे, एज के बाद क्या आता है, हमेशा क्लॉज आता है. ओके, जैसे कि एग्जाम्पल, ही रन्स लाइक मी, ठीक है, वो मेरी तरह चलता है, ठीक है, एंड ही रन्स एज आई डू, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, एक तो है कि वो मेरी तरह चलता है, एंड ही रन्स एज आई डू, ये वैसे ही चलते जैसे मैं चलता हूँ, ठीक है. ये दोनों सेंटेंसेस का मतलब एक होगा, लेकिन क्या है, इसमें क्या है फर्क, किसका है, कंजंक्शन का है. जब लाइक कंजंक्शन यूज किया है, तब इसके बाद प्रोनाउन आया है, एंड जब एज कंजंक्शन यूज किया है, तो हमने बाद में क्या किया है, क्लॉज यूज किया है. ओके, सो ये थे हमारे सेट ऑफ रूल्स कंजंक्शंस के. अब इनको, रूल्स को याद करना एक बार में पॉसिबल नहीं है, सो इनके नोट्स बना लीजिए, या फिर पीडीएफ आपको वैसे भी प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है. तो आप इनको रिवाइज करते रहिए, एंड आप जितना रिवाइज करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना क्लियर हो जाएंगे. एंड दे आर वेरी वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है, ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है. ओके, सो चलिए एरर स्पॉटिंग करते हैं, क्योंकि
आफ्टर ऑल ठीक है, आना तो यही है ठीक है, रूल्स तो आप याद कर लेंगे लेकिन प्रैक्टिस नहीं की तो क्या फायदा। ओके तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है बी स्मार्ट नॉट ओनली इन ड्रेस एंड ऑल्सो इन एक्शन। अब इसमें बोल रहे हैं कि बी स्मार्ट की सिर्फ नॉट ओनली इन ड्रेस, अब यहाँ पे हमने कौन सा कंजंक्शन यूज किया है, नॉट ओनली, और ये क्या है नॉट ओनली, हमने पहले पढ़ा नॉट ओनली के साथ क्या आता है हमेशा बट ऑल्सो आता है, क्योंकि ये क्या है को रिलेटिव कंजंक्शन है, तो सी पार्ट में एरर है, यहाँ पे एंड नहीं आएगा, यहाँ पर बट आएगा, तो करेक्ट सेंटेंस होगा बी स्मार्ट नॉट ओनली इन ड्रेस बट ऑल्सो इन एक्शन। नेक्स्ट हार्डली हैड आई रीच द एयरपोर्ट वेयर आई लर्न अबाउट द पावरफुल बॉम्ब एक्सप्लोजन। अब यहाँ पे हमारा सेंटेंस हार्डली से शुरू हुआ है, तो हमने देखा है कि जब भी हमारा जो सेंटेंस में हार्डली होता है तो हार्डली के बाद क्या आता है हमेशा वेन आता है, तो यहाँ पर एरर बी पार्ट में है क्योंकि यहाँ पे वेयर है, वेयर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा वेन आएगा, क्योंकि हार्डली हार्डली और स्केर्सली दोनों के बाद क्या आता है वेन आता है, तो करेक्ट सेंटेंस हुआ हार्डली हैड आई रीच द एयरपोर्ट वेन आई लर्न अबाउट द पावरफुल बॉम्ब एक्सप्लोजन। नेक्स्ट इट इज नॉट सच अ गुड बुक दैट आई एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पे क्या आएगा इट इज नॉट सच अ गुड बुक, अब यहाँ पे एरर, जब हमने हमने बोला था कि हम जो सच है, सच के साथ दो वर्ड्स यूज होते हैं, कौन कौन से, एक तो एज एंड एक दैट, जब हम किसी रिजल्ट पे एम्फसाइज करते हैं तब हम दैट यूज करते हैं, नॉर्मल हमने यूज करना है तो हम एज यूज करते हैं, अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे हम रिजल्ट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल यूज करें तो यहाँ पे दैट नहीं आएगा, यहाँ पर एज आएगा। ओके सी पार्ट में एरर है, तो करेक्ट सेंटेंस होगा इट इज नॉट सच अ गुड बुक एज आई एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट क्या है द डाउनफॉल ऑफ दिस काइंड इज टू बी एट्रीब्यूटेड टू नथिंग एल्स दैन प्राइड। अब यहाँ पर हमारा जो एरर है वो कहाँ पर है, यहाँ पर हमारा एरर जो है वो इसी पार्ट में है ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा दैन प्राइड नहीं आएगा, यहाँ पर बट प्राइड आएगा ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये कौन सा बट जो है हमारा नॉर्मल जो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यहाँ पे हम दो चीजों को जो है वो आपस में ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम बट यूज करेंगे। द डाउनफॉल ऑफ दिस काइंड इज टू बी एट्रीब्यूटेड टू नथिंग एल्स बट प्राइड, ये इसका करेक्ट सेंटेंस होगा। लास्ट क्या है माई बुक हैज बीन मिसिंग फ्रॉम माई रूम टिल यस्टरडे। अब इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, इसका मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर हम टाइम बिफोर यूज कर रहे हैं ठीक है, तो टाइम बिफोर में कौन सा कंजंक्शन यूज होता है, एंड इसमें मैं एरर भी बता देती हूँ, एरर यहाँ पे सी पार्ट में एरर है, यहाँ पर टिल नहीं आएगा, यहाँ पर कोई और आएगा, कोई ऐसा कंजंक्शन आएगा जो टाइम बिफोर में यूज होता है। अब आप मुझे कॉमेंट करके बताइए कि टाइम बिफोर में कौन सा कंजंक्शन यूज होता है और यहाँ पे टिल की जगह कौन सा कंजंक्शन आएगा, तो जल्दी से मुझे आंसर कॉमेंट बॉक्स में बताइए। एंड ये था आज का लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है कंजंक्शंस के ही क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो जो डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे, तो तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, एंड जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।